दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में साइलेंट मोड कैसे हटा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे में साइलेंट मोड लगा है। तो दोस्तों, जब भी साइलेंट मोड लग जाता है, फिर हमारे पास कोई भी कॉल करता है तो हमारा मोबाइल नहीं बजता है, यानी कि हमारे फ़ोन की रिंगटोन नहीं बजती है। तो ऐसे में हमें नहीं पता चल पाता कि किसने मेरे पास कॉल किया है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि साइलेंट मोड कैसे हटाया जाता है, यानी कैसे बंद किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साइलेंट मोड बंद करने का सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, इससे बंद ही हो जाएगा। अगर नहीं बंद होता है तो अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में जो वॉल्यूम वाला बटन होता है, जहाँ से आप आवाज़ वगैरह तेज़ करते हैं, तो आप कोई सा भी ऐसे बटन दबा देंगे। तो जैसे आप बटन दबाते हो तो दोस्तों, यहाँ पे ये वॉल्यूम का यहाँ पे आवाज़ वाला ओपन हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कोई सा बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही दोस्तों, नीचे आपको एक छोटा सा 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये 3 डॉट का ऑप्शन है। ओके, तो अभी आपको दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे साइलेंट मोड का ऑप्शन चालू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे में ये चालू है। तो अभी आप क्या करेंगे, ऐसे साइलेंट मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में साइलेंट मोड बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे में बंद हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइलेंट मोड का आइकन हट चुका है, यानी कि मेरा मोबाइल साइलेंट मोड से हट चुका है। साइलेंट मोड मैंने हटा दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप साइलेंट मोड बंद कर लीजिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों शॉर्टकट तरीका साइलेंट मोड बंद करने का। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप वॉल्यूम बटन दबाते हो और आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, ये 3 डॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि बहुत फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं आता है ना। तो अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, इससे आप सही कर लेना। अगर नहीं आता है तो आप दूसरे इस वाले स्टेप को फॉलो करिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में ओपन कर लेंगे सेटिंग्स को। तो ये आप देख सकते हो सेटिंग्स, आप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे। सेटिंग्स ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा साउंड वाइब्रेशन का। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, अगर आप चाहो तो सेटिंग में सर्च का भी ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पे सर्च कर देना साउंड वाइब्रेशन, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप सेटिंग में ढूंढ लेंगे, आपको मिल ही जाएगा। तो आप अभी साउंड वाइब्रेशन पे टच करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे दोस्तों साउंड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइलेंट DND करके, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे साइलेंट DND पे टच कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल में लगा होगा साइलेंट। तो मैंने अभी बंद ही कर दिया हूँ, तो इसलिए नहीं है, रेगुलर आ गया है, क्योंकि साइलेंट मोड बंद हो गया है। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, तो आपके में ऐसा लगा होगा। ओके, मैं एक साइलेंट कर दिया हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ सही से, ठीक है। तो जब जैसे आप साइलेंट DND पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा होगा ऑप्शन, और यहाँ पर दोस्तों आपके में साइलेंट लगा होगा। तो ओके, तो अब आपको साइलेंट से हटा देना है। आपको यहाँ पे दोस्तों कर देना है रेगुलर पे, साइलेंट या DND कोई भी होगा, तो आपको सिंपल रेगुलर पे क्लिक करना है। तो ऐसे आप रेगुलर पे टच करेंगे, बस अभी ये रेगुलर पे सेट हो जाएगा और साइलेंट मोड हट जाएगा। तो मैंने रेगुलर पे क्लिक कर दिया, आपको सिंपल बैक चले आना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो तरीके बता दिए, और इन दो में से एक ना एक तरीके से आप अपने मोबाइल में साइलेंट मोड बंद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जैसे आप साइलेंट मोड ऑफ करते हो, अब आपके पास कोई भी कॉल करेगा, आपका मोबाइल बजेगा, रिंगटोन बजेगी, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, साइलेंट मोड को इजीली ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही नई एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।